लाईट लागेल ते तिथून इथं आले तिथून मग इकडे उडी मार लागेल ते तिथून इथं आले तिथून मग इकडे उडी मार बघा पैसे बघतो पुढे काढले बघा पैसे हा तिथे गेले ते तुमच्या हाताला पाणी आहे का थोडं पाणी पाणी द्यावर जरा आप देख सकते हैं एक स्पेक्टिकल कोबरा बिग साइज में जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं खेती को जो जोतने का काम चल रहा है ट्रैक्टर से उसी के ट्रैक्टर के ब्लेड के अंदर ये फंस गया था यहाँ पर मार लगी है आप देख सकते हैं इस जगह पर इसे बहुत ही ज़्यादा नहीं लगी है मार लेकिन एक ऊपर का जो चमड़ी है इसकी वो निकल गई है घिस गया है फंस गया था पूरी तरह से फंस गया था ये अंदर मार इतनी ज़्यादा नहीं लगी है और ये इसने शायद शिकार भी किया था तो अभी उसने जो वोमिट किया है बाहर निकाला है और ये मार बाहर से तो कम लगती है लेकिन ट्रैक्टर का वजन और उसका जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से अगर हड्डियों को कुछ नुकसान होगा तो अंदरूनी घाव होगा तो वो पता नहीं है लेकिन बाहर से ये ज़्यादा मार नहीं लगी है सिर्फ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी चमड़ी सिर्फ उधेड़ गई है तो ये घाव भर जाएगा ये इतना बड़ा घाव नहीं है और ये अच्छी बात है यहाँ के जो सचिन पाटिल है खुद चला रहे थे गाड़ी और इन्होंने बचाने की इसको प्रयास किया है कोशिश की है और इसको बचाया है कोबरा स्नेक बहुत ही ज़्यादा मारने की वजह से एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि ये स्पेसीज रेयर बन के रह जाए क्योंकि ये जो स्पेसीज है यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा इसे बहुत ज़्यादा मारा जाता है लोगों के द्वारा कोई जानवर के द्वारा तो इसकी वजह से कुछ समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरा रेयर हो सकता है ये तो यह अच्छी बात है सचिन जी आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसे बचाने की कोशिश की है कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जब सामने एकाध कोबरा स्नेक या फिर कोई भी सांप आता है तो गाड़ी ऊपर से चला के लेके जाते हैं लेकिन इन्होंने बचाया है तो ये एक हाईली वेनमस होता है स्पेक्टिकल कोबरा और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जो कि नर्वस सिस्टम पर असर करता है लेकिन कोई भी सांप जब तक हम नहीं छेड़ते तब तक कोई भी सांप बाइट नहीं करता या फिर हमें काटता नहीं है तो ये एक लोगों का वहम है कि सांप भाग कर पीछा कर काटते हैं
ये लोगों के वहम है और इसकी वजह से इसके चलते सालों से हजारों सालों से हमारे यहाँ पर ये इन सांपों के बारे में अफवाहें और इस अफवाहों के चलते लोग सीधा एक ही समझ लेते हैं कि सांप अगर दिखाई दे तो सीधा वो हमारे लिए आया है और हमें बाइट करने के लिए आया है, ऐसा लगता है लोगों को। तो ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, इसकी जो मेमोरी है वो बहुत थोड़ी होती है, यानी कि इसमें जो इसका मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर एक सेरेब्रल होमोस्फीयर नामक एक घटक नहीं होता है जो कि हमारे इसमें होता है, याद रखने की क्षमता, जो कि ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए याद रखता है कोई भी चीज़। उसके बाद अगर आप उसके सामने जाते हो तो 2 सेकंड के लिए सिर्फ याद उसको याद रहता है। उसके बाद में अगर 2 सेकंड के बाद आप फिर जाते हो तो आपके आप उसके लिए नए हो, यही उसका होता है एक तरीका। तो लोग सिर्फ वहम और अंधविश्वास के चलते इन्हें मार देते हैं। तो हम इसे पैक कर देते हैं दोस्तों, एक घाव बड़ा सा नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगा और ये नेचर के साथ डल जाते हैं। इनका जो जख्म है, कोई भी घाव, जल्दी से जल्दी भर जाता है। तो हम इसे पैक कर देते हैं। इसे थोड़ा पानी पिलाया है दोस्तों, क्योंकि मार लगी है ज़्यादा हल्का सा। अभी लेकर चलेंगे, पैक कर देंगे, सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। दोस्तों इसे हमने पैक कर दिया है, इसे छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ जख्म को कर नहीं सकते क्योंकि ये नेचर के हिसाब से ढल जाते हैं अपने आप। और इतना बड़ा घाव नहीं है, ऊपर की सिर्फ चमड़ी निकली है, अंदरूनी हो सकता है तो वो भी देखेंगे, समझ में आएगा। तो इसे आज़ाद कर देते हैं हम प्राकृतिक परिवेश में। मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।